अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं चाहने वाला चाहत रहे खुश है बात है तरह पे इसमें अपील करें आमीन। और आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। तो आज का लाइव में मैं लेकर आया हूँ साफ टच वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का, जो ना रिव्यू करेंगे। स्किन को बनाए वाइट एंड ग्लो, बहुत अच्छी साफ टच वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का रिव्यू है। तो रिव्यू के साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपसे ना मीकी मुलाकात करवाएंगे और आप लोगों को दे रहे दुआएं भी देंगे। तो जितनी भी बहनें यहाँ पर आएंगी और भाई यहाँ पर आएंगे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग आएंगे ना, तो सब ने आज मेरी अम्मी से ना दुआ लेकर जानी है और फुल सपोर्ट देनी है कि मुझे जल्दी से कुछ हासिल हो जाए। तो न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब किया करें, घंटी को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन किया करें कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा जो है ना मेकअप और ज्वेलरी ड्रेसिंग इतनी पसंद की। ये आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है। आप लोगों की सोनिया आज पूरे वर्ल्ड में जो है ना देखी जा रही है, मशहूर है। तो बहुत आप लोगों ने इज्जत और प्यार दी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे साफ टच ब्लीच क्रीम का, उसके बाद आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो है ना स्टे करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेरे ब्लॉग जाते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग सभी जितने भी ब्लॉग हैं सभी पर जो है ना फुल सपोर्ट दीजिए। तो एफ डब्ल्यू लिख दिया करें या फुल डब्ल्यू टी लिख दिया करें या फुल एफ डब्ल्यू लिख दिया करें, मुझे समझ आ जाएगी कि ये बहन या भाई फुल सपोर्ट देने वाले हैं। तो मैं अभी फिर आप लोगों को ना फुल जो है ना सपोर्ट दे दूँ। तो ये देखिए आज का ड्रेस कैसा है। तो वैसे सर्दी है, मैंने ग्लव्स पहने हैं। स्वेटर मैंने इसीलिए नहीं पहना कि आप लोगों को ड्रेस अच्छे से नजर आ जाए। वैसे ये स्वेटर भी था, ये देखें काफी प्यारा स्वेटर है, ये देखें। ये भी लेडीज जो है ना स्वेटर है, काफी प्यारा स्वेटर बना हुआ इस तरह का। तो मैंने इसीलिए नहीं था पहना कि आप लोगों को जो है ना ड्रेसिंग अच्छे से जो है ना नजर आए, तो इसलिए मैंने वो जो है ना स्वेटर ऊपर नहीं पहना। तो ये देखे काफी अच्छा मतलब ड्रेस है। ये भी सॉफ्ट टच यूज करते हैं, जो चीज यूज करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम जो ना बात करते हैं सॉफ्ट टच की, फिर आप लोगों की मुलाकात जो ना करवाते हैं। तो ये लीजिए आप लोगों के जो ना करीब आ गए हैं। तो मेरी एक ही बात आप लोग कमेंट्स में जितनी भी बहनें और भाई प्यार करते हैं फुल एफ डब्ल्यू देते हैं, ये डब्ल्यू टी देते हैं, मुझे कमेंट्स में ना लिखा करें, इशारा दिया करें। तो इस तरह से हम जो ना पक्के फ्रेंड्स जो ना बन जाएंगे। आप मेरी तरफ आया करें, मैं आप लोगों की तरफ आया करूँगी। तो ये है वो सॉफ्ट टच। तो ये मैं गई थी ना शॉपिंग करने, आपने शॉपिंग ब्लॉग देखा था, जूता लेने चीज़ें लेने। तो मैंने फिर अपने लिए ये दी थी सॉफ्ट टच की, यही यूज़ करती हैं, बेस्ट है। फुल बॉडी पर भी और फेस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा चार्ज बहुत अच्छा रहता है इसका, ये देखें। तो आज मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी। छोटे छोटे अगर पैक लेंगे तो वो महंगे पड़ जाएंगे ब्लीच क्रीम के, इसलिए बड़ा पैक लेंगे। इसमें आपको ये मिलेगा हिदायत के लिए, इसमें आपको मिलेगा पाउडर की एक शीशी मिलेगी और एक और पाउडर की शीशी मिलेगी, दो पाउडर की इसमें से शीशी मिलेगी। और एक उसके बाद आपको मिलेगा जार, जार ये बड़ा मिलेगा। तो ये है जी वो बहुत ही अच्छी क्रीम है। और साथ में उन्होंने एक स्पून भी दिया हुआ है इस तरह का, आपने जिस क्वांटिटी में रेडी करनी है, फुल बॉडी के लिए रेडी करनी हो फिर ज़्यादा ले लीजिएगा, अगर फेस के लिए लेनी है तो फिर अपने मुताबिक ले लीजिएगा, फेस के नेक के लिए हाथों के लिए। तो ये मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह की ये पिंक कलर की क्रीम है। तो जितने भी आपका ब्लीच क्रीम पूरे वर्ल्ड में जो सेल हो रही हैं मेरी बहनें यूज़ करती हैं, तो मैं उन सभी बहनों से यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट ये सॉफ्ट टच वाइटनिंग जो ना ब्लीच क्रीम है। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह का इसका डब्बा आता है, ये डब्बा भी देखें। तो मैं इसकी पिक्चर भी, जितने भी मेरे ब्लॉग जाते हैं साथ में पिक्चर भी जाती है, मेरी अपनी भी होती हैं, चीज़ों की भी होती हैं, अगर मैं चीज़ें लेकर आऊँ तो आप लोग जो है ना देख लिया करें मेरे चैनल के कम्प्यूटी पर। इस प्यारी सी सोनिया प्रिंसेस को बता दीजिएगा आज पूरी प्यारी सी बार्बी डॉल लग रही है ना। किसी दिन ऐसा होता है फ्रेंड्स
ते बहुत ही प्यारा सा दुख जो है ना क्रिएट होता है, तो किसी दिन बहुत ही बुरा होता है, लेकिन आज का दुख माशाल्लाह सुभान अल्लाह से मुझे बहुत ही जो है ना पसंद आया, तो बहुत ही मतलब प्यारा सा दुख लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मेरे रब की शान है कि हमें आप जो है ना बहुत इज्जत और प्यार देते हैं आप लोग, लेकिन अपनों ने अपनों के चलो चलो जो भी हैं छोड़े हैं, तो ये देखे मैं पूरी प्यारी सी बार भी डाल लग रही है इस तरह से देखे। आई मेकअप बहुत ही जबरदस्त है, आई मेकअप अच्छा हो ना तो समझिए आप एक ब्यूटिशियन बन चुके हैं, तो लोग समझते हैं ये मेकअप आर्टिस्ट जो है ये शोशा है, बहुत ही इजी है सब कुछ, बहुत इजी नहीं है, घंटों खड़े रहकर तो अपना बेस्ट देना पड़ता है कि हमारा जो ना बेस्ट परफॉर्म जो ना हो और लोगों तक बेस्ट जो ना जाए, तो किसी में किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, तो घंटे खड़े रहकर जो ना काम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना या खुद पर मेक ओवर करना या किसी क्लाइंट आ जाए उस पर मेक ओवर करना, तो बहुत ही मेहनत होती है, क्लाइंट आए उस पर भी बेस्ट जो है ना देना पड़ता है, बेस्ट करना पड़ता है, कि उसका इवेंट में अगर जा रही है मेरी बहन कोई तो उसका बेस्ट लगे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेकअप लगे, हर सबसे ज़्यादा हसीन लगे, तो सब अच्छा होना चाहिए, तो बहुत ही मेहनत के जो है ना पैसे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट के, आप लोग ये ना सोचे कि मेकअप ऐसे ही हो जाता है, मेकअप में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही खड़े रह कर ना घंटों अपने क्लाइंट पर मेहनत करनी पड़ती है, तो सोचा है सोचें कि मेरी कितनी मेहनत है कि मैं जितने मेरे ब्लॉग आते हैं मेकअप में आते हैं ड्रेसिंग ज्वेलरी में आते हैं तो कितनी मेरी मेहनत है, सारा सारा दिन लग जाता है, आपके सिर्फ कीमती टाइम में से 5 या 6 मिनट लगेंगे, आपने अपने अपने घरों में बैठकर बस मुझे देखना है, तो बस कमेंट्स देनी है, लाइक करना है, फुल FW देना है, तो इतना सा बस काम है, तो मेरी हेल्प हो जाएगी, तो मेरी ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं, तो चले फिर आप लोगों की अम्मी से जो है ना मुलाकात करवा देते हैं, तो फिर आप लोग देख लें, तो आपको पता है कि मेरी अम्मी मेरा सहारा है और कोई भी नहीं है, आप लोग उनसे जरा मुलाकात करें फिर आप लोग उसे जा सकते हैं, तो ये लीजिए पूरे वर्ल्ड से लोग देखने वाले हैं, तो ये हैं जी मेरी अम्मी, तो ये बीमार रहती हैं तो बीमार बनने की बहुत दुआ लगती है, तो ये आप लोगों से कुछ कहना भी मेरे बारे में, तो बोलें जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों और बेटे और बेटियों, आप सबको मेरा सलाम। मैं चाहती हूँ ये सोनी सोनिया सोनिया मेरी धी भी है, नाती तो बेटी भी है ते बेटा भी है, यदि कुछ हेल्प करो, इसको सपोर्ट दिया करो, इन्हें भी सपोर्ट दिया करो ताकि जल्दी कामयाब हो सके, कुछ हासिल हो सके ना। दूसरा अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की खुशियां देखनी नसीब करे, आप लोगों के घरों में हमेशा रहमत और बरकत रहे और आप लोगों के बच्चों को अपने सम्मान में रखे, बच्चों को सम्मान में लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे, और कभी किसी की कमी ना हो, पूरे वर्ल्ड में वीडियो जा रही है, तो ये अम्मी वैसे बीमार रहती है इतना वैसे बात नहीं कर सकेंगी, तो वैसे आप लोगों को बता दिया तो दुनिया में भी आपको अल्लाह ताला नेकियां नेकी करने की आपको तफीक दे, नेकियां जो हैं वो इंसान के आखिरत के वक्त काम आती हैं, हाँ जी नेकियां काम आती हैं, ये दुनिया की दौलत दुनिया में छोड़ जाना है, ये तो सही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी पर इस जमाने में अपना हो या पराया कोई नेकी नहीं करता किसी के साथ, कोई भी हेल्प नहीं सब करता, सब कुछ करता है जो कुछ मेरे पास ही आ गया, तो बस ये यही चाहती हैं, ये बीमार रहती हैं तो इनकी जिंदगी में कोई पता नहीं है, मेनू कैंसर हो गया था अगे भी मेनू कैंसर की ये बीमारी जो है ना लग चुकी है, सर्दी कहनी दूसरे पासे हो गई है, मैं चाहती ना कोई मेहमान है, हाँ तो बहुत ही अजियत ना जिंदगी है, तो इनका जिंदगी का कोई पता नहीं, तो ये अपनी जिंदगी मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहती हैं, आप लोग अगर फुल सपोर्ट देंगे कितने भी बहने भाई लाज मेरे बेटे मेरा बड़ा करा लाज इनका वैसे चार रहा है पैसों के साथ ही चार रहा है, तो बाकी मेरे बेटे मेरा बहुत इलाज करा रहे हैं लखा रुपये ला खड़े पर मैं ठीक नहीं हो सकती, तो ये वाला